नमस्कार, वेलकम टू शवीज किचन। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं आम की चटनी। चूँकि इस समय आम का सीजन चल रहा है तो ये बहुत आसानी से हमें मिल जाता है और इसकी रेसिपी बनाना बहुत आसान है। तो मेरी आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आम की चटनी बनाने के लिए हमने जो सामान लिया है वो है एक कच्चा आम, पुदीने की पत्ती, एक हरी मिर्च और नमक। सबसे पहले हम इस आम को छील लेंगे। ये देखिए, हमने आम को छील लिया है। अब हम इसको काट लेते हैं। इसमें हल्की सी गुठली है, इसको हम बाहर निकाल देंगे। इसके हम छोटे पीस कर लेंगे। अब हम मिक्सर जार लेंगे, उसमें इन आम के पीसेस को हम डाल देंगे। ये हरी मिर्च डालेंगे, पुदीने की पत्ती डाल देते हैं। और अंदाज से इसमें हम नमक मिलाएंगे। नमक पहले थोड़ा ही डालें, बाद में अगर आपको कम लगता है तो आप दोबारा मिला सकते हैं। बहुत ज़रा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे। और इसको हम पीस लेते हैं। ये देखिए, हमारी आम की चटनी इसके तैयार हो चुकी है। अब इसको हम एक छोटे से बोल में निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी कच्चे आम की चटपटी तीखी चटनी बनके तैयार है। इसे आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, पकौड़ी के साथ, पराठे के साथ, दाल चावल किसी चीज़ के भी साथ खा सकते हैं। इसको बनाना भी बहुत आसान है। ये सीजनल चटनी है जो सबको बहुत पसंद आती है। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक को प्रेस करें। थैंक यू।